The BAAP of all strategy, most scoring chapters. ना फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी दे लिख के दे दे टीचर मुझको कोई टीचर लिख के दे दे, फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख के दे दे एक बार। मैंने आपके लिए एक रिवीजन प्लान भी बनाया है, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो। किसी को सड़क पे बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को घर में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को छत पे बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है और किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता। वीक वन में क्या करना है? वीक वन बिगिंस फ्रॉम 19th दिसंबर, यानी मंडे से स्टार्ट होता है और 24 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, यानी सैटरडे को। मंडे से शुरू होगा, सैटरडे को खत्म होगा, मंडे को शुरू होगा, सैटरडे को खत्म होगा। क्या करना है इस वीक में? स्ट्रेट लाइन, सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री, ये रिवाइज करना है भाई। स्ट्रेट लाइन के क्लास नोट्स, स्ट्रेट लाइन की क्लास इलस्ट्रेशन, सर्कल के क्लास नोट्स, सर्कल के क्लास इलस्ट्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री के क्लास नोट्स, ट्रिग्नोमेट्री के क्लास इलस्ट्रेशन, ये करने हैं हमें फर्स्ट वीक में। सर संडे तो 25 दिसंबर को है, वो क्या किया आपने? संडे को हमने रखा है एज अ बफर डे। बफर डे का मतलब अगर फिर भी कुछ चूक हो जाती है तुमसे तो भैया ये पूरा कर लो, और उस दिन इस वीक में जो भी पढ़ा है उसके क्वेश्चन लगाओ खूब सारे। पूरा दिन बैठकर स्ट्रेट लाइन, सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री, पूरा दिन क्या 2 घंटे 3 घंटे बैठकर स्ट्रेट लाइन, सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगाओ। रैंडम सैम्पलिंग करो, ठीक है ना? ये बात क्लियर है? वीक टू 26 से 31 दिसंबर तक, फिर मंडे से लेकर फिर मेरे ख्याल से ये आ जाता है सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। चेक कर लो कैलेंडर में, जरा चेक करना भाई कैलेंडर में, सही लिखी है मैंने डेट? हाँ सर, ठीक। हाँ, इसमें क्या करना है? फंक्शन, ITF, LCD और JEE मेंस टॉपिक। भाई ज़्यादा काम है, करना पड़ेगा, क्या करें। लेकिन करना क्या है फिर से? करना सिर्फ इतना है के क्लास नोट्स क्लास इलस्ट्रेशन संडे को बैठकर फुल प्रैक्टिस, और रोज 30 मिनट्स का वो अलार्म मोबाइल वाला काम करना है। हाँ, एक फैक्ट बताता हूँ, तुमने जितने भी KTKs किए हैं, जितने भी TH किए हैं, लगभग तुम उठा के देख लें, मेरी बात पर विश्वास मत करना, तुम उठा के देखना JEE मेंस के PYQs, JEE एडवांस के PYQs। JEE मेंस में तो मैं कह सकता हूं तुमने 80% PYQs पहले से क्लास में कर लिए हैं, अगर तुमने KTK की, अगर तुमने शुरू से मेरी बात मानी, सारे KTK के जो त्रिशूल में चलाता रहता था, अगर आपने वो ओबे किया है तो लेट मी अश्योर यू आप 80 से 90% PYQs कर चुके हैं ऑलरेडी। JEE मेंस टॉपिक में क्या हुआ? स्टैटिस्टिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये करना है आपको इसमें बैठ के। 2 जनवरी से 7 जनवरी आ गई भाई, इसमें आपको कोनिक खत्म करना है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और साथ में सीक्वेंस सीरीज और MOD। मैंने इसको इतना सारा क्यों रखा? क्योंकि एलिप्स पढ़ने के बाद हाइपरबोला अपने आप पता ही हो जाता है, कोई खास डिफरेंस है नहीं। जो समय लगेगा पैराबोला और एलिप्स में लगेगा, हाइपरबोला तो लगभग साथ में मुफ्त मिल जाएगा। सीक्वेंस सीरीज ठीक है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। MOD जो है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें सिर्फ मेनली क्या देखना है? इनवर्स का डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये हमें देखना है इसमें। तो यह है पूरा काम वीक 3 में। वीक 4 में क्वाड्रेटिक, PNC, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देख रहे हो, मैंने वीक 4 में जनवरी में रखा PNC और बाइनोमियल, लास्ट में रखा। क्यों रखा लास्ट में? सर ये भूल जाते हैं ना, इसलिए। ठीक है, हाँ ये भूल जाते हैं इसलिए, ठीक। तो वीक 4 डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल। वीक 4 में भी डिफिकल्ट फॉर यू, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो लास्ट में करने पे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, दिमाग में नया ताज़ा रहेगा। LCD आपने देखा होगा, हमने सेकंड वीक में ही खत्म कर लिया। क्यों? क्योंकि ये दिमाग में ज़्यादा देर तक, इसकी रिटेंटिविटी रेट अच्छा है, ITF का रिटेंटिविटी रेट अच्छा है, ठीक है ना? रिटेंटिविटी मतलब दिमाग में ज़्यादा देर तक बना रहता है। फिर वीक 5, अब वीक 5 क्या होगा? वीक 5 होगा रिवीजन वीक फॉर ऑल 4 वीक्स, यानी कि जो आपने शुरू के 4 वीक में पढ़ा उन सब का जो रिवीजन होगा वो वीक 5 में होगा। वीक 5 में मतलब एक तरह से बफर वीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, हाँ, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बच गया भाई, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। मैट्रिक्स छूट गया है इसमें, बिल्कुल सही, मैट्रिक्स छूट गया है, तो मैट्रिक्स हम इसमें कहीं ना कहीं रख सकते हैं। बताओ कहाँ रख दे? जहाँ तुम कहो वहाँ रख देते मैट्रिक्स, wherever you say, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट रख देते हैं। वह छूट गया है इसमें कहीं पर, कहाँ रखे भाई मैट्रिक्स? मेरे ख्याल से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पहले वीक में हो जाएगा क्या? मैट्रिक्स यहाँ मैट्रिक्स हो जाएगा, मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट, यहाँ कर सकते हैं मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट। वीक 5 में, चलो वीक 5 में रख देते हैं, यू कैन डू दैट इन वीक 5, क्योंकि ये चैप्टर भी ऐसा है जो लास्ट में करें तो अच्छा रहता है। मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट वीक 5 में कर सकते हैं आप। एंड दैट इज ऑल प्रेजेंट क्लासेस में जो चल रहा है। अब सर जो प्रेजेंट क्लासेस हैं, देखो ये तो हम कर चुके, ये हो गया रिवीजन प्लान, ये हो गया रिवीजन प्लान। अब इसमें क्या क्या चीज है, फॉलो वट एवर इज डन इन द क्लास, यानी जो क्लास में हो रहा है वो साथ साथ चलाते रहो, वो क्लास में जो हो रहा है वो साथ साथ चलाते रहो, ठीक है। क्लास के बाद हम KTKs बहुत कम कर देंगे, अभी जो क्लास में इलस्ट्रेशन है वो अच्छे से करते रहो। कैन कवर सम टॉपिक्स फ्रॉम वन शॉट इन बफर वीक एंड संडेज, यानी अगर फिर भी थोड़ा समय मिले तो वन शॉट से कुछ चैप्टर, जैसे एरिया अंडर द कर्व हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, यह आप वन शॉट में कवर कर सकते हैं। ये दो चैप्टर्स आप चाहें तो वन शॉट में कवर कर सकते हैं। कौन कौन सा, एरिया अंडर द कर्व और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और तीसरा संडे को रिवीजन करें ऑफ ऑल द टॉपिक्स कवर्ड इन द वीक, ऑफ ऑल द टॉपिक्स कवर्ड इन द वीक, ठीक है ना। हाँ, तो यह करेंगे। इंटीग्रेशन वगैरह जो सब क्लास में चल रहा है वो साथ साथ, क्लास में साथ साथ, क्लास में साथ साथ का मतलब है बस क्लास अटेंड करो, क्लास इलस्ट्रेशन साथ में सॉल्व करते रहो, कॉपी लेकर बैठते रहो तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। वन शॉट में कर लो, मंजिल से कर लो, चाहो तो एरिया अंडर द कर्व, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, पहले इंटीग्रेशन हो जाए फिर उसके बाद करना आप, फिर उसके बाद करना, ठीक है। हम जितना हो सकेगा उतना करेंगे क्लास में कवर। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन, तो मुझे लगता है ये दोनों चैप्टर्स तो हो ही जाएंगे, वेक्टर और 3D, और साथ में बचेगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी हम कर लेंगे। वेक्टर 3D में हो सकता है कुछ पार्ट हम रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दें या फिर कुछ ऐसा कहें आपको, तो वह भी हम कर देंगे। यानी क्लास का समय ऐसे ही साथ साथ लगाते रहो, ठीक है भाई। और हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहो, जो है जैसा है उसी में बेस्ट करूंगा, जो है जैसा है उसी से बेस्ट करूंगा, बस ये समझते रहें, यही बार बार आप अपने आप को याद दिलाते रहें। सर एक मैथ ही नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैथ नहीं है। वीक भी तो बेटा पूरा 6 दिन का वीक है, ये पूरा 6 दिन का वीक है, ये कितने दिन का वीक है, 6 दिन का वीक है, 6 दिन दिए हैं। इन 6 दिन में आपको केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी टारगेट सेट करना पड़ेगा, 6 दिन है, यू हैव 6 days टू डू, यू हैव 6 days टू गो। और जो दिक्कत आपके सामने है वो दिक्कत सभी के सामने होगी, जो दिक्कत आपके सामने है वो दिक्कत सभी के सामने होगी, ठीक है ना। जो दिक्कत आपके सामने सभी के सामने होगी, यानी कोर्स तो भैया किसी का भी नहीं हुआ होगा, कोटा में नहीं हुआ, सबका ही नहीं हुआ, और फिर भी आप शुक्र मनाइए आप सबसे आगे हैं, आप फिर भी बहुत आगे हैं, रिलेटिवली एडवांटेज पर हैं, क्योंकि आपने शुरू में जल्दी स्टार्ट कर लिया था, आप जल्दी जाग गए थे। याद करो कि जब यह क्लासेस शुरू हुई थी तो मैंने आपको पहले दिन कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि आप समझदार लोग हो जिन्हें पता है कि यार हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम अभी से लगते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, वह उस उम्मीद में ज़िंदा रहते हैं कि मेंस में आ गया है 90 परसेंटाइल, अब एडवांस देंगे, एडवांस देने के बाद उन्हें समझ में आता भैया सुधार की ज़रूरत है। लेकिन कई बच्चे पहले से ही समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं हमें सुधार की ज़रूरत है, और उसी का एडवांटेज आपको मिल रहा है, उसी का एडवांटेज आपको मिल रहा है, ठीक है। ठीक, चलो तो बस ये हो गया भाई। अब थोड़ी सी चिंता कम हुई या नहीं हुई, अभी भी बहुत सारी चिंता है, अभी भी बहुत सारी चिंता है। क्लास ड्यूरेशन कम कर दें, क्लास ड्यूरेशन कम करने से मान लो मैं आधा घंटा कम कर दूं तो क्या, अभी मैंने 2.5 घंटे का कर दूंगा क्लास, ठीक है, कम कर देंगे भाई क्लास। 2 hours 40 minutes की क्लास हो रही है लगभग, 2 hours 40 minutes, 2 hours 50 minutes, इस तरह की क्लास चल रही है औसतन, कभी कभी किसी दिन हो जाती होगी, ठीक है, नहीं तो 2 hours 45 minutes तक की क्लास चल रही है, 2 hours 40 minutes, ठीक है। तो थोड़ी सी तो कम हुई है, थोड़ी सी तो कम हुई होगी, थोड़ा तो रिलैक्स फील करोगे कि हाँ। और पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कब होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं, जब ड्राइवर घबरा जाता है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट उसी कारण होते हैं। तो ड्राइवर जब घबरा जाता है तो फिर एक्सीडेंट होना ही होना है, तो आप घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, आप एक फॉर्मुलेटेड रिवीजन प्लान रखें जैसा दिया आपको, इसके अंतर्गत आप शुरू करते रहें करें और चीज़ों को ओबे करें, स्ट्रिक्टली ओबे करें, तो अपने आप ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और ज़्यादा जल्दी के चक्कर में ना रहें, सर जल्दी जल्दी करा दो पूरा कोर्स करा दो, सर जल्दी जल्दी पूरा कोर्स करा दो, ऐसे कोर्स ख़त्म करने का कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए। मैं तो कर दूंगा, क्रैश कोर्स भी बढ़ाते थे हम तो, है ना, 1-1.5 महीने में पूरा कोर्स ख़त्म करते थे, 2 महीने में ख़त्म, 100 घंटे में पूरा कोर्स, वो हो जाएगा, लेकिन उससे आपका लाभ नहीं होगा, उससे आपका लाभ नहीं होगा। ये मत सोचना यह लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद भी अटेम्प्ट है, इसके बाद भी जी एडवांस है, तो आपको वहां तक जाना है, लंबी दूरी तय करनी है, इसलिए कोई भी चैप्टर इस चक्कर में वीक मत छोड़ देना। अगर कोई चैप्टर वीक रह गया तो बेटा फिर वो वीक रह जाएगा हमेशा के लिए, और वो वहां दुख जरूर देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा JEE मेंस। अच्छा एक चीज और, ये बड़ा शौक लगता है बच्चों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बेचारे बोर्ड से पढ़ के आए होते हैं ना, 10वीं 12वीं पास करे होते हैं, तो उनके टीचर ने बोर्ड में बताया था बेटा यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर कर लेना, ये इससे ना, इससे 4 क्वेश्चन आते हैं, उससे 3 क्वेश्चन आते हैं, बेटा यह क्वेश्चन जरूर कर लेना। बेटा पहली चीज़, जेईई मेंस 30 क्वेश्चन देता है, 30 क्वेश्चन में उसके पास इतना स्कोप होता है कि वो लगभग हर चैप्टर को टच अपॉन कर सकता है, तो इसलिए यह भूल जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, मोस्ट अन इम्पॉर्टेंट कौन सा है। सब इंपॉर्टेंट है, आपको जितना आपने अभी तक कवर किया उस सबको अच्छे से रीड कर लो, वही सबका सब इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ऐसा कहना फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी दे, लिख के दे दे टीचर मुझको कोई टीचर लिख के दे दे फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख के दे दे एक बार, कोई नहीं लिख के देगा तुझको। बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन कम आते हैं, लिख के दे दे भाई एक बार, लिख के दे दे, नहीं आते है ना, कोई नहीं दे सकता तुझे लिख कर। किस क्यों ऐसा थोड़ी होगा कि टीचर के घर लोग जाएंगे रात को, एनटीए वाले भाई साहब जरा बता देते मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर कौन कौन से हैं, उससे पेपर बना लेते भाई साहब हम, अगर आप हमें क्वेश्चन वो बता देते चैप्टर कौन कौन से हैं, उससे हम क्वेश्चन पेपर बना लेते। ऐसा होगा? ऐसा होगा क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा सर, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये फालतू की मार्केटिंग के फंडों में मत पड़ना। और दूसरी चीज, यूट्यूब पर आप गधों की तरह ढैंचू करके वीडियो मत ढूंढने लगना, हाउ बेस्ट रिविजन स्ट्रैटेजी, यह लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, है ना, या स्ट्रैटेजियों का बाप, ये फालतू के पंगों में मत पड़ना भाई। बाकी तुम समझदार हो, अगर तुम चाहते हो तुम जा सकते, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर। प्लीज डेली रूटीन दे दो, अब डेली रूटीन भी दे, डेली रूटीन भी हम ही दे दें, मतलब है गजब है भाई, गजब भाई गजब, डेली रूटीन भी दे दें और ये भी बता दें कि रोटी का निवाला कैसे तोड़ना है, उसमें सब्जी कैसे लगानी और मुंह में कैसे डालना, ये भी बता दें, हर चीज की स्ट्रैटेजी देते तुमको, डेली रूटीन। अबे तुम बता दिया वीक में ये कवर करना, अब तू अपने हिसाब से कवर कर यार। एक चीज ध्यान रखो, तुम सब रोबोट नहीं हो जो एक फैक्ट्री से बनकर निकले हो, एक चीज ध्यान रखना, तुम सब रोबोट नहीं हो जो एक फैक्ट्री से बनकर निकले हो, और सब में सेम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर लगा है, सब में सेम काइंड ऑफ हार्डवेयर लगा है, हार्डवेयर हो सकता है सेम हो, सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग है। तो हर कोई किसी चीज को कैसे करना पसंद करता है, कोई किसी चीज को कैसे करना पसंद करता है। तो अक्सर जो इस तरह की डेली रूटीन बताई जाती है, ये मानकर बताया जाता है तुम साले सबके सब रोबोट हो, सबके सब इसी हिसाब से चलोगे, है ना, ऐसा नहीं होता। एवरीवन कस्टमाइजेस हिज ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आपको पता चलिए वीक में ये टारगेट अचीव करना है, अब आप कैसे करो ये आपके ऊपर है यार। दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो। किसी को सड़क पे बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को घर में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को छत पे बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, और किसी को पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, और वो आपके ऊपर है भाई। और बेटा जो बैकलॉग है, प्रायोरिटी लिस्ट चैप्टर्स, ओ माय गॉड, तो बेटा तू प्रायोरिटी लिस्ट बना ले, तू बैठ के अभी प्रायोरिटी लिस्ट ही बना, ठीक है, हाँ प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ बेटा तुम बैठ के, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स। रिवीजन टाइम कितना रखना है सर, इतने में टारगेट अचीव हो जाए, उससे टारगेट एक घंटे में अचीव हो रहा है 1 घंटा रख, उससे 10 घंटे में अचीव नहीं हो रहा तो 10 घंटा रख भाई, 11 घंटा रख, तो तेरे ऊपर है। अब तो पढ़ लो, खाना कैसे खाएं, किस दिशा में बैठकर खाना खाएं, खाना खाने की स्ट्रैटेजी, बाप ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी। अब इतनी स्ट्रैटेजी तो बिजनेस के डायरेक्टर के बोर्ड रूम में नहीं बताई जाती, जितनी स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे बटी पड़ी है, सारे कोई बांट रहा है, स्ट्रैटेजी बांट रहा है, हर कोई स्ट्रैटेजी बांट रहा है। और ये भी पहुंचा तो ढैंचू स्ट्रैटेजी दे दो ना, स्ट्रैटेजी बाबा के नाम पे स्ट्रैटेजी दे दो अबे आज से पहले भी लोग सिलेक्ट होते थे बिना स्ट्रैटेजी के, इतनी स्ट्रैटेजी तो हमारा खुद का डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनाता होगा बैठकर, जितनी स्ट्रैटेजी तुमने यूट्यूब पर देख ली है। एक दिन में कैसे IIT क्रैक करें, 4 घंटे में कैसे IIT की रैंक 1 लाएं, गेटिंग 300 मार्क्स इन जस्ट 7 days, ओ माय गॉड। बाकी सबके सब तो बेवकूफ हैं तेरे खुद के आए थे क्या उससे, तेरे खुद के आए ना, मेरे तो नहीं आया था लेकिन मैं ज्ञान बांट रहा हूँ सबको। तेरे खुद के आए थे, तू खुद IIT गया क्या? ना मैं तो नहीं गया, लेकिन ज्ञान बांट रहा हूँ। भारत में ज्ञान तो बांट सकते हैं, कोई भी बांट सकता है, रिक्शा वाला भी बांट सकता है, ऑटो वाला भी बांट सकता है, कोई भी बांट सकता है, जिसको उस फील्ड की नॉलेज भी नहीं है वो भी बांट सकता है। एक इंजीनियर चाहे तो ऑटो वाले को बता सकता है कि ऑटो कैसे चलाना होता है, ऑटो वाला इंजीनियर को बता सकता है कि कैसे काम करना होता है, कोई भी ज्ञान बांट सकता है। तो तुम भी बांट लेना भाई, तुम भी चले जाना। तो जिन लोगों को इस तरह का कुछ चाहिए, प्रायोरिटी वाले चैप्टर, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, भाई तुम जाके देख लेना, वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। लेकिन हाँ, जेईई मेंस के टॉपिक जो हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको आउटपुट दे सकते हैं, वो जरूर कर लीजिएगा। और वो इसीलिए हमने रखे भी हैं सेकंड वीक में रखे हैं, थर्ड वीक में रखे हैं, कहीं ना कहीं तो रखे ही हैं, यहाँ देख लो सेकंड वीक में इसीलिए रखे हैं। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस उसी हिसाब से है कि स्कोरिंग के हिसाब से, स्कोरिंग चैप्टर्स के हिसाब से कौन सा चैप्टर ज़्यादा देर तक दिमाग में रहता है, कौन सा कम देर तक दिमाग में रहता है, उसी हिसाब से डिजाइन किया है भाई। बाकी तुम समझदार हो बेटा, बाकी तुम समझदार हो, तुम वैसे भी सब बहुत समझदार हो।